आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट के बारे में, कैसे एक छोटे से स्टोर से मल्टीनेशनल कंपनी ये बनी, उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल बाहेती, मैं हूँ टाइम मैनेजमेंट कोच और आज वॉलमार्ट के केस स्टडी के जरिए हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम भी एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हमें उसके लिए टाइम को इन्वेस्ट करना होगा, उस पर हम बात करेंगे। वॉलमार्ट की शुरुआत 1962 में सैम वॉल्टन ने यूएसए में एक छोटे से डिपार्टमेंट स्टोर के साथ की थी। तब सैम के मन में विचार था कि ग्राहकों को कम कीमत पर ज्यादा सामान कैसे दे सकते हैं। ये विचार इतना सक्सेसफुल रहा कि वॉलमार्ट तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1970 में वॉलमार्ट ने अपने पहले सुपर स्टोर चेन की शुरुआत की, जिसने ग्राहकों को एक ही छत के नीचे किराने का सामान और बाकी सभी चीजें उपलब्ध कराई। 1980 में वॉलमार्ट ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रेजेंस दिखाया, मेक्सिको और कनाडा के अंदर अपने स्टोर्स खोले और 1990 में वॉलमार्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट walmart.com की शुरुआत की, जिससे एक नया मुकाम, तो हम कहते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में खुल गई। और 2000 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को टेक ओवर किया, जो एक ई कॉमर्स कंपनी थी और मेजरली उसका प्रेजेंस इंडिया में था। दोस्तों, वॉलमार्ट सक्सेसफुल कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वैल्यू। जो चीजें वहां पर होती थी उनकी वैल्यू मार्केट से कम में मिलती थी। मे बी उसका एक इंपॉर्टेंट एरिया था कि उनका जो बाइंग पावर था, उसकी वजह से वॉलमार्ट ने हमेशा अपने क्लाइंट के बारे में पहले सोचा कि हमारे क्लाइंट्स को क्या चाहिए और उन्हें वो कम रेट में कैसे मिल सके, इसलिए उन्होंने शुरुआत की। आप अगर देखेंगे, उनकी शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन उनका जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी। पहला वॉलमार्ट जब उन्होंने खोला था, आप एक बार उनके शूज में पैर रख के देखिए और सोचिए कि उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या सोच करके वो पहला वॉलमार्ट खुला होगा। कैसे हम कम रेट में बहुत सारी चीजें एक साथ ला सकते हैं, रिटेल सेक्टर में एक बहुत बड़ा बून वहां पर उन्होंने क्रिएट कर दिया था। प्लस जो उनका मकसद था कि कम कीमत में चीजें पहुंचनी चाहिए, तो उन्होंने उन सभी चीजों पे काम करना शुरू किया जिससे प्राइसेस बढ़ती है। क्यों कस्टमर महंगा बेचता है, कहां से हम उसमें कम में बेच सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इफिशियंट ऑपरेशंस और इफिशियंट लॉजिस्टिक को बाहर लेकर के आए कि ये सारी चीजें जो ऐड करती है हमारे कॉस्ट में, उनको कैसे कम से कम रखा जा सकता है। आप देखेंगे उनके लॉजिस्टिक, उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब कुछ बेटर था। जो कोई भी बिजनेस या जिस किसी प्रोफेशन में हम हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन तक अगर हमें पहुंचना है बेस्ट रेट में, तो हमें हमारे उन कॉस्ट पे काम करना होगा जो एक्चुअल में अननेसेसरली ज्यादा चले जाते हैं। प्लस उनका फोकस रूरल एरिया में ज्यादा था। वो फर्स्ट टीयर सेकेंड टीयर सिटी से ज़्यादा थर्ड टीयर फोर्थ टीयर सिटी में काम करना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पर प्राइस को लेकर के सभी लोग कंसर्न होते हैं। आपका जो टारगेट मार्केट है, जहाँ पर आपके सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो क्वालिटी बेस्ड है या प्राइस बेस्ड है, और क्या उन दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं। एक और अच्छी आदत वॉलमार्ट में थी, वो जब भी अपने आप को एक्सपांड करते, वो सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करते कि वहाँ पे ऑलरेडी जो स्टोर चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, वहाँ के ऑलरेडी जो कंपटीशन में हैं उनके प्राइसिंग्स क्या हैं और हम कितना कम में वहाँ पर दे पाएंगे। ऐसा नहीं था कि जैसे ही वो बढ़ना शुरू हो गए उन्होंने बस एक्सपांड करना शुरू कर दिया, नहीं, वो टेस्ट करते थे और फिर वहाँ पर पैर रखते थे और वहाँ पर वो सक्सेसफुल होते थे। उनका जो फोकस था वो हमेशा वॉल्यूम पर रहता था कि किस तरह से हम हमारे वॉल्यूम को बढ़ाएं, और वॉल्यूम को बढ़ाते वक्त जब आप उन चीज़ों को परचेज करेंगे तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अब सोच के देखिए, आपका ही प्रोडक्ट अगर कोई लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहा है, जैसे 1, 2 और 10, और वही प्रोडक्ट अगर 100 और 1000 की क्वांटिटी में जा रहा है, तो वहां पर आपके पास एक बार्गेनिंग पावर मिल जाती है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव वॉलमार्ट में तब आया जब उन्होंने अपने मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया।
सबसे पहले वो सारा का सारा मैनेजमेंट उनका एक ऑफिस से होता था, वहीं पर उन्होंने रीजनल ऑफिसर्स को पावर देना शुरू किया कि वहाँ के लोगों की जो जरूरत है वो आप वहीं से परचेज करके सही रेट में, अच्छे रेट में वहाँ के लोगों को देना शुरू कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उनके पूरे डेवलपमेंट में आपने फील किया होगा, देखा होगा, वो था इनोवेशन। वो हमेशा इम्प्रूवमेंट करते थे। जब वो लॉजिस्टिक की बात करते थे, वहाँ पर रेट को कम करना था, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ उन्होंने इफिशेंसी बढ़ा दी। हो सकता है कि उन्होंने खुद की ट्रक्स ली होगी, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो ये सभी चीज़ें उनके उस इफिशेंसी को बेटर करने के लिए थी। इसीलिए वो हमेशा अपने कॉम्पिटिशन से हमेशा एक कदम आगे रहते थे। हमें भी टेक्नोलॉजी को समझना होगा, इस्तेमाल करना होगा, ताकि समय समय पर हम अपने आप को एक कदम आगे रख सकें। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेनर, हम वॉलमार्ट से क्या सीख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राहक को सामने रख के काम कीजिए। अगर आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को तो फील कीजिए। देखिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कस्टमर है जो वॉलमार्ट में जा रहा है, और वॉलमार्ट में वो सारी चीज़ें रखी हुई है जो वॉलमार्ट बेचना चाहता है खुद के नाम के साथ, कि दिस इज वॉलमार्ट शैम्पू, दिस इज वॉलमार्ट सोप, दिस इज वॉलमार्ट ब्रश, सब कुछ, और लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या वहाँ पर बाइंग होगी? क्या वहाँ पर परचेज होगा? तो उनका जो फोकस था वो क्लाइंट सेंट्रिक था। हमें वहाँ पर वो चीज़ें रखनी है जो हमारे क्लाइंट को चाहिए, न कि वो चीज़ें जो हम बेचना चाहते हैं। ये जो माइंडसेट फोकस है, इसे हमें हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में लाना होगा। आपके क्लाइंट क्या चाहते हैं? आपके पास जो है वो चाहते हैं, या उन्हें जो चाहिए वो आप बेहतर तरीके से दे सकते हो? अगर आप इस माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास दो या तीन ऐसे नए स्टेप्स आएंगे जो बड़े ही आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम रूट पे जाते हैं कि जब वॉलमार्ट की शुरुआत हुई होगी तो क्या हुआ होगा। अपने आप को फील करके देखिए कि आपके सामने एक ऐसा बिजनेस प्लान आया हुआ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई हुई है, कि एक ही जगह पे आप सब कुछ रखने की कोशिश कीजिए। क्या उसी वक्त सैम ने सोच लिया था कि मैं इंटरनेशनल जाऊंगा या बहुत सारे स्टोर बनाऊंगा? नहीं, उन्होंने उस पहले स्टोर को खोला और उसके सक्सेस के बाद अपने नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करना शुरू किए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी चीज में आप सक्सेसफुल हुए हो उसके नेक्स्ट स्टेप्स पर काम कीजिए। अपने आप को कंफर्ट जोन में मत ले जाइए कि ये हमने सोचा था और ये हो गया है, इट्स सक्सेसफुल, नाउ दैट्स इट, दैट एंड। नो, इसको कैसे आप एक या दो स्टेप और आगे ले जा सकते हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर आइए और कोशिश कीजिए कि जो जो चैलेंजेस आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज सॉल्व कर रही है उनके साथ ऐसी कौन सी चीज़ अटैच हो सकती है जो बाकी चैलेंजेस को भी सॉल्व करेंगे। जैसे वॉलमार्ट ने रीजनल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए रीजनल ऑफिसेस को पावर देना शुरू किया कि यस, यू कैन गो, यू कैन बाय ओवर देयर, यू कैन बाय इन वॉल्यूम, आप वॉल्यूम में बाय कीजिए और आप प्राइस के लिए निगोशिएट कीजिए। वो लोकल पावर देना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं, आपके जो इन लाइन मैनेजर्स हैं जिनके पास शायद थोड़ी पावर की कमी है, एक बार सोच के देखिए कि कौन सा एक पावर उनके तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपका 10% 20% वर्कलोड कम हो जाएगा और आप 20% नए काम आपके शेड्यूल में ऐड कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें वॉलमार्ट ने और उनके सक्सेस ने सिखाई है, तो आपके लिए भी ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि एक या दो ऐसी चीजें इसमें है जो आपको बहुत पसंद आई है तो लाइक पे जरूर क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि किसी एक कंपनी को एज अ केस स्टडी हमें स्टडी करके आपके पास रिप्रेजेंट करना है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, और इसे एक फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करके उनके साथ भी ये नॉलेज आप साझा जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।